गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गुड टाइम्स विद प्रियंका। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मैं आपको अगले व्लॉग में मुक्तेश्वर का रूम एंड द रिजॉर्ट वी आर स्टेइंग एंड ऑल ऑफ दैट वो सब मैं दिखाने वाली हूँ। तो यस, दिस इज गोइंग टू बी दैट व्लॉग। आई एम गोइंग टू शो यू द रूम एंड एवरीथिंग अबाउट दिस रिजॉर्ट। ये कौन सा रिजॉर्ट है, मैंने कैसे बुक किया, प्राइसेस एंड एवरीथिंग। सो यस गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड If you haven't yet subscribed to my channel, please do subscribe. And अभी चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही छोटा क्रिस्प रहने वाला है, पूरा मुक्तेश्वर का रहने का इन्फॉर्मेशन और यहाँ से कैसे आप नैनीताल वापस जा सकते हैं एंड देन नैनीताल टू दिल्ली, वो सब मैं आपको शेयर करने वाली हूँ उस वीडियो में। सो यस गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। After visiting all the places in and around Mukteshwar, we finally reached our resort at around 5 in the evening. यहाँ आपको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा मिलेगी एंड काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। दे हैव बोथ रूम्स एंड कॉटेजेस। वी टुक द कॉटेज, बट आगे वीडियो में मैं आपको उनके रूम्स भी दिखाऊँगी। The property has its facing towards the valley, तो आपको property के हर जगह से valley का view मिलेगा, which is the best part. और ये हमारे cottage तक के जाने का रास्ता, there were a lot of steps and all through the beautiful plants with flowers, so it was very beautiful. So this was our cottage and we had the balcony with the view of the valley and they helped us with our luggage kyunki itne sare steps the to khud lana bahut mushkil hota. Anyway, this was the room and it had all the amenities. It was all wooden floor and ceiling, everything was wooden. It had a very comfortable bed with two blankets, which was in need because वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड था, नैनीताल से बहुत ज़्यादा ठंड था owing to its height. And it had a proper sitting area, then cupboards for luggage, and the bathroom was very spacious and clean. So overall, I really liked the room. So my sister went to the next cottage to check the room in case we would like to exchange, but we didn't. We liked this room better, so we just stayed here. शाम में कुछ खाने के लिए आए हैं, लंच इतना हैवी हुआ नहीं था एंड हल्का सा हमने कुछ खाया था लंच में, दैट्स व्हाई वी हैव कम हियर फॉर आवर इवनिंग स्नैक्स एंड दिस इज द प्लेट विद ऑल दैट वी हैव। ये भी शिव पूजा में काम आता है, राइट? अच्छा, सो ये वाइल्ड चेरी होती है, चेरी, हाँ चेरी जो प्योर है वो अभी हमने ग्राफ्टिंग की है रिसेंटली। ये प्लम है, ठीक है, ये बब्बू गोशे हैं, ठीक है, एंड जो उधर ये वाले जो पेड़ दिख रहे हैं ये नाशपाती हैं। सेकंड वाले वो जो, हाँ मतलब जो ये लगा हुआ छोटा वाला उससे बड़ा वाला उधर। अच्छा, ओके, ये नाशपाती हो गई है, उसके बाद उस साइड में खुमानी लगी हुई है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के जो होस्ट है ही वाज शोइंग अस अराउंड और यहाँ पे कौन से पेड़ हैं वो सब हमें दिखा रहे थे। मतलब अक्टूबर मंथ में तोड़ दो खुमानी, 15 मई के बाद स्टार्ट हो जाएगी आड़ू, 15 मई के बाद स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये समर के फ्रूट्स है, राइट? उस साइड में लगा
साइड में लगा हुआ है वो है आपका इटालियन ड्राई फ्रूट वाली होती है और छोटा दाना होता है। नेक्स्ट वी वेंट टू द रूम्स दैट आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज। सो दीज आर टू फ्लोर्स जहाँ पे उनके रूम्स हैं। दोनों में ही बैल्कनी मिलेगा बट ऊपर में आपको ज़्यादा क्लियर व्यू मिलता है। सो द रूम्स इन द फर्स्ट फ्लोर आर बिट मोर प्राइसी दैन द ग्राउंड फ्लोर वंस। सो नाउ लेट्स गो चेक आउट द रूम्स। These are the rooms. I think amenities wise काफ़ी similar लगे मुझे, बस वहाँ पर सोफ़ा थे और यहाँ पर चेयर्स हैं। अदर दैन दैट आई थिंक एवरी थिंग वॉज क्वाइट सिमिलर एंड हियर ऑल्सो द बाथरूम वॉज वेरी मच स्पेशियस और क्लीन भी बहुत ज़्यादा था। Another thing is that cottages are completely wooden, but यहाँ पे बस floor आपको wooden मिलेगा and hence the prices. Also the property had the small play area for the kids. After resting for a while, we went around 9:30 for dinner. For dinner, we requested them to prepare proper Kumaoni cuisine for us. So we had ragi roti, bhatki dal, alu ke gutke and pahadi chicken. All of these were very simple yet delicious. And in dessert, we had this yum madwe ka halwa, which is a halwa made out of ragi flour. So in ये एक पहाड़ी क्यूज़ीन होता है कुमाऊँ रीजन का एंड इट वाज सो सो डिलीशियस। आई जस्ट लव्ड इट। Next day we woke up to a beautiful morning witnessing the sunrise from our balcony, and waking up to the chirpings of birds surely makes your day. The property had so many apple trees which were in their blooming stage, and with the flowers it looked so pretty. गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। आई एम हैविंग एग पराठा एंड दे आर हैविंग आलू प्याज पराठा। आई एम नॉट वेल एक्चुअली, सो मैं ज़्यादा वीडियो पे बात नहीं कर रही हूँ। एनीवेज हमने कल जो डिज़र्ट खाया था रागी का हलवा, वी लाइक्ड इट रियली। सो हमने उनसे फिर से रिक्वेस्ट किया कि वो बना के दे दें, सो वो से अभी खाएंगे इसके बाद। दैट्स गेटिंग प्रिपेयर्ड। हमारा हलवा आ गया है। लीविंग द प्रॉपर्टी, अभी हम चेकआउट कर रहे हैं, सामान वगैरह चला गया। इट वॉज अ ब्यूटिफुल स्टे हियर एंड इज द माउंटेन एंड ऑन द लैप ऑफ नेचर। तो अभी हम वापस जा रहे हैं नैनीताल बस स्टैंड, वहाँ से इधर मिनी बस होगा या फिर कैब होगा,
वहाँ से वो लेके जाएंगे टिल हल्द्वानी एंड देन फ्रॉम देयर वी हैव टू बोर्ड द बस, द वॉल्वो बस दैट आई हैव बुक्ड. तो ये जो मिनी बस या फिर कैब से वो लेके जाएंगे नैनीताल बस स्टैंड से हल्द्वानी, वो भी उसके अंडर ही आता है. लाइक आई हैव लाइक आपको एक बार में टिकट का प्राइस पे करना पड़ता है और उसके अंडर ही ये आता है बिकॉज प्राइवेट बसेस नैनीताल नहीं आते हैं. सो व्हाट दे डू इज यहाँ से हल्द्वानी या फिर काठगोदम आपको लेके जाएंगे वाया अ मिनी बस और कैब और बोलेरो एनीथिंग एंड फिर वहाँ से आपका जो बस होगा वहाँ से आपको पिक करेगा टिल दिल्ली एनी पॉइंट इन दिल्ली या फिर नोएडा एनीवेयर. सो दैट्स द प्लान. हमने ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया है, वी आर क्वाइट फुल नाउ. देखते हैं लंच अगर हो पाएगा देन. अभी तो फिलहाल भूख बिल्कुल भी नहीं लगी है एंड नैनीताल इज समवॉट अराउंड 1.5 hours to 2 hours from here depending on the traffic and everything. So yes guys, let's go back and yeah, it was a beautiful stay here in Mukteshwar. I love this property. मैंने सारा डिटेल जो है इसके बारे में तो दे दिया है, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. लेट मी नो इफ एनी अदर क्वेरीज यू हैव, आई विल लव टू आंसर देम. नाउ लेट्स गो. We got this cab to Nainital arranged by the resort itself, which charged us ₹2,500. और फिर मुक्तेश्वर मार्केट में हमने क्विक स्टॉप लिया टू गेट द रागी फ्लावर जिसको मडुआ बोला जाता है, टू प्रिपेयर द हलवा एट होम एज वी वेर सो इम्प्रेस्ड विद द डिश. और बस करीब 1.5 घंटे में हम नैनीताल बस स्टैंड पहुंच गए वेयर वी आर सपोज टू गेट द कैब टिल काठगोदाम. अगर आप गोआईबीबो या MMT वगैरह से टिकट करते हो देन यू विल गेट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर वाया टेक्स्ट बिफोर 2-3 hours ऑफ योर जर्नी. सो दिस वॉज द बोलेरो दैट दे अरेंज्ड फॉर अस. यहाँ पे और भी जो उसी बस के पैसेंजर्स थे वो भी यहीं पे थे जो कि नैनीताल से जाने वाले थे. सो दे क्लब यू ऑल टुगेदर एंड ये 10-seater गाड़ी है तो 9 से 10 जन यहाँ पे बैठ के एक साथ दे विल टेक यू टिल काठगोदाम और फिर काठगोदाम में यू विल गेट द बस जो आपका वॉल्वो बस है वो आप यहीं से बोर्ड करेंगे. अभी हम अपने जर्नी में हैं टूवर्ड्स नोएडा. तो ये जो बस है वो एक ढाबा पे रुका है. अभी टाइम करीब 7 बज रहा है एंड अभी स्नैक्स के लिए इस एक ढाबा है कटहल नाम का, तो उसके वहीं पे गाड़ी रुका है फॉर स्नैकिंग एंड ऑल. तो यहाँ पे आधे घंटे के लिए रुकेगा एंड देन विल स्टार्ट आवर जर्नी अगेन टूवर्ड्स नोएडा. तो करीब 9:30 बज जाएंगे पहुँचते. सो दैट वॉज द वीडियो गाइज. आई मीन दैट वॉज ऑल माई जर्नी. आई शोड यू एवरीथिंग, ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आप कैसे वापस जा सकते हो और कौन सा आप रूट ले सकते हो या कौन सा ऑप्शन आप आपके पास है वापस जाने के लिए टूवर्ड्स दिल्ली. यहाँ पे बहुत सारे मच्छर है एक्चुअली. सो यस, तो अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग, ऑटो टैक्सी किसी के बारे में या किसी रूट के बारे में, हल्द्वानी आनी चाहिए या नैनीताल आना चाहिए, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, आई विल आंसर देम. एंड इस ब्लॉग को मैं यही पे एंड करती हूँ गाइज. आई होप आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन जस्ट वॉच माई ऑल अदर वीडियोज इफ यू हैवंट येट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आगे तक भी पहुँचाइएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली को. एंड या गाइज, दैट्स ऑल. आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट ब्लॉग. बाय, टेक केयर, सी यू, बाय.